Just find it and take it. Don't live regret it. Make me your only one. सो हे गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ नेपियर। एक दिन का शॉर्ट टूर रखा है मैंने। मेरा जो दोस्त है बैरी, जिसके साथ मैं माउंट रैपियो भी गया था, उसने सडनली कॉल किया मेरे को परसों रात को कि बॉक्सिंग डे, क्रिसमस की छुट्टी भी कुछ प्लान है क्या। मैं बोला हाँ चल कहीं जाते ही घूमने के लिए, तो ऐसे ही सडनली नेपियर का प्लान बन गया। अभी ऑन द वे हूँ नेपियर के। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, 5-10 मिनट का लुकआउट दिखा था, और जो यहाँ पे व्यू आ रहा है ना बहुत ही बढ़िया है। रुको मैं दिखा था आप लोगों को एक सेकंड। ये देखिए सामने क्या बढ़िया व्यू है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी कुछ, पर हाँ बहुत सही वाटरफॉल्स। वर्थ है मतलब यहाँ पे एक 2 मिनट ब्रेक लेना बीच में। सो फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद टोरंगा से मैं पहुंच गया मेरे पहली डेस्टिनेशन टी माटा पीक। बहुत ही क्लासी जगह है, विंडी है। ये स्पॉट पे आके किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि यहाँ पे फिलहाल न्यूजीलैंड में समर चालू है। बैरी और मोमिता ने तो जैकेट भी पहन लिया है। मेरे लिए इतना ठंडी नहीं है, पर है विंड अच्छा खासा है। नेपियर का बहुत ही सही व्यू मिल रहा है मेरे राइट साइड पे। बस अभी थोड़ा सा ऊपर जाने का, ये हार्डली 100 मीटर का वॉक करके वहाँ से रहता हूँ 360 शॉट। मैं एक्चुअली ड्रोन वीडियो भी लेने वाला था, पर विंडी इतना ज़्यादा कि आई डोंट, मैं ड्रोन उड़ा पाऊंगा। फिर भी ट्राई करता हूँ, अगर आ गया तो अच्छा, नहीं आ गया तो डीजे हाउस में जिंदाबाद। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों को पीक के टॉप पे जाने के बाद। सो फाइनली पीक के टॉप पे, और ये देखिए आप व्यू। दूर जो आपको दिख रहा है वो है समुंदर। नेपियर से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर का ड्राइव। बस अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में जाते हैं नेपियर। नेपियर में फिर प्लान चॉकआउट करते हैं कि कहाँ पे घूमना है, क्या है क्या नहीं, वो सब का। ये देखिए ये साइड भी पूरा क्लिफ। ये देखो बहुत ही सही स्पॉट है। सडनली हमारा टूर बन गया, पर पहला स्पॉट तो बहुत अच्छा निकला। अभी करेंगे थोड़ी देर में नेपियर एक्सप्लोर। सो दैट्स ऑल फॉर द टी माटा पीक। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि नेपियर जाके लंच करना है कि कहीं पहले घूमने जाना है, वो प्लान करते हैं। उसके बाद लंच भी किया तो कुछ ज़्यादा हेवी तो खाऊंगा नहीं, कि बाद में मे बी वाइनरीज जाऊंगा टेस्टिंग के लिए, कि नेपियर हॉक्स बे ये जगह न्यूजीलैंड में वाइनरीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस चलिए अभी निकलते हैं टी माटा पीक से, और बनाते हैं अगला प्लान। क्या बनता है क्या नहीं आप लोगों को बताऊंगा, ये मैं पक्का बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। सो लंच इज सॉर्टेड नाउ। जब हम पिक जाते वहाँ पे रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, पिक हाउस करके, वहाँ पे लंच कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट है, छोटा सा सिंपल मेन्यू एकदम। बस अभी जस्ट खाना ऑर्डर किया, कॉफ़ी ऑर्डर किया, उसका वेट कर रहे हैं। और लंच का जो डेक है वहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना बहुत ही औसम है। मैं एक मिनट में बाहर रह के आपको व्यू दिखाता हूँ, और एक रेस्टोरेंट का भी पूरा शॉट दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत सही रेस्टोरेंट है, बस खाने का वेट है। जब खाना आएगा तब एक बार फूड रिव्यू देखा कि रेस्टोरेंट तो अच्छा है बट रेस्टोरेंट का खाना वर्थ है कि नहीं। तो बस मिलता हूँ आप सभी लोगों को खाना आने के बाद, और तब तक देता हूँ एक बाहर का व्यू और एक रेस्टोरेंट का व्यू। सो दैट्स द आउटसाइड व्यू। और ये है इंटीरियर। काफ़ी खूबसूरती से बनाया है रेस्टोरेंट एक्चुअली। सो गाइस हम पहुंच गए नेपियर फाइनली। मैंने अभी चेक इन भी कर लिया मेरा एक्चुअली अकोमोडेशन में,
मैं वहाँ का थोड़ा रश में था इससे एकोमोडेशन का, तो अभी कुछ शॉर्ट नहीं ले पाया मैं, पर हाँ अभी मैं एक्वेरियम जाऊँगा, एक्वेरियम से अगर मैं एकोमोडेशन थोड़ा नहीं जाता तो मैं जाते ही एकोमोडेशन का भी व्यू लेने वाला हूँ। काफ़ी सुंदर जगह है और जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है जो टॉड हॉल बैकपैकर जहाँ पे मैं रुका हूँ वो बिल्डिंग 110% मैक्सिमम 1850 या 1870 के ही बीच में बनी रहेगी, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन और आप मेरे पीछे देख सकते हो समुंदर, पैसिफिक ओशन, सेम पैसिफिक ओशन टोरंगा में भी है, पर अगर आप टोरंगा देखोगे तो आपको व्हाइट सैंड मिलेगी, यहाँ पे पूरे बीच पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं तो प्रॉपर सैंड है नहीं। तो बस अभी जाते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम से देखते आगे और कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं आज, तो जो कुछ रहेगा मैं आप सभी लोगों को अपडेट देते रहूँगा। एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ नेपियर टूर। तो अभी बस एक्वेरियम में, नेशनल एक्वेरियम नेपियर का, मैंने सुने कि शायद ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। कैसे बनाए लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी ये एक्वेरियम में 50 स्पीसीज हैं अलग अलग और टोटल समथिंग अराउंड 1500 एनिमल्स हैं। तो बस अभी अंदर जाके देखूँगा मैं एक्वेरियम कैसा है, अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड रहेगी तो हाँ 100% वीडियोज भी लूँगा और देखता हूँ, अगर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहेगी तो पक्का मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग भी अगर आपको कुछ बुकिंग करना है, एक वर्चुअल टूर लेना है इसका तो ले सकते हो। तो आइए चलिए चलते हैं एक्वेरियम में। ओके सो लकीली यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है, स्टारफिश मोमिता झांकते हुए, बस अभी नहीं करी, अब उसको पता है मैं वीडियो ले रहा हूँ अब नहीं करेगी, बस उन्होंने बोला है कि फ्लैश मत मारो, मैं बोला सही है फ्लैश तो नहीं लूँगा। यहाँ पे मेटल स्टिंगरे बनाया हुआ, नेशनल एक्वेरियम ऑफ न्यूजीलैंड। तो बस चलो करते हैं एक्सप्लोर ये म्यूजियम फटाफट। तो ये है फीमेल चीचिर जिसका लिखा है कि एक टाइम पे वो मुंह में 100 बच्चे तक पकड़ सकती है। आई होप वीडियो क्लियर आ रहा है। डेकोर तो काफी अच्छा किया म्यूजियम का, आई मीन एक्वेरियम का, कोई डाउट नहीं। बस और अभी तो बस मैंने शुरुआत किया अंदर घूमना, ये तो बस एक राउंड था मछलियों का देखने का। अभी मैं देखने जा रहा हूँ पाकू, और ये पाकू एक्चुअली आता है अमेजोन से, अमेजोन रिवर के बेसिन से। ये देखिए क्या बड़ा है, देखो ये देखो। आई विश किसी दिन अगर फिशिंग गया मेरे को भी कोई ऐसी बड़ी मछली मिले। लाइट के वजह से कार्ड कुछ दिख नहीं रहा, दूर से देखता हूँ ना, एक अंदाजा तो आ गया रहेगा आपको, पर ये फिश है कितना बड़ा है। तो अभी ये जो तीसरा टैंक है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग तरह की फिश है, तो आइए देखते हैं उन सबको। यहाँ पे एक डायनासोर,
ये मोमेदा खतरों के खिलाड़ी बनते हुए बोलती मैं डायनासोर के पास जाके खड़ी रहूंगी। ये है यहाँ पे गोल्डफिश, नीचे ये रहता है, ये तो बहुत कॉमन है, देखो ये ऊपर है ज्यादा। ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, देखिए लाइट। ये फिश टैंक में है न्यूजीलैंड मोस्ट अनवांटेड फिश, जैसे कोई क्रैब, कोई कार्प, गैम्बुशिया, रूड कैटफिश। मुझे भी नहीं पता ये क्यों है यहाँ पे अनवांटेड, बट था। ये देखो नीचे पानी में सब तैरती है। ऊपर से लेता हूँ थोड़ा, ये पता नहीं क्या है, लिजर्ड है, कैमिलियन है, पता नहीं क्या है, पर एक यहाँ पे नीचे और एक वहाँ पे ऊपर है। ओके, तो वो एक्चुअली वाटर ड्रैगन है। ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं, पर अभी तो फिलहाल ये ऐसे शांत बैठे कि कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। और एक वहाँ पे पानी में भी ये देखो बैठा हुआ। आई विश कि मैं वीडियो ले रहा था, वे पानी में दौड़े, देखने में भी अच्छा लगे, बच जान दो कोई नहीं। ओके, तो अभी आप जो यहाँ पे सामने देख रहे हो ये है सिल्वर पिराना, अमेरिकन नेटिव, कजिन ऑफ पिराना। बट जो पिराना है और ये सिल्वर कॉइन है, इसमें एक ही डिफरेंस है, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये वेजिटेरियन है। और ये मैं नहीं कह रहा है, यहाँ पे जो फैक्ट्स है उस पर लिखा है कि ये पिराना वेजिटेरियन है। ओके, अभी जो आप सामने एक छोटी सी मछली तैरते हुए दिख रहे हो उसका नाम है अफ्रीकन लंगफिश, जो अप टू 40 सेंटीमीटर तक बड़, मतलब 40 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। और पीछे ये बना है क्रोकोडाइल का स्कल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये है अफ्रीकन लंगफिश। तो वो देखिए आपका सामने, वहाँ पे टर्टल सीखेंगे, वो पक्का हिटलैप रहेगा, इसके लिए वहाँ पे सब नीचे बैठ गए। तो वहाँ पे टर्टल्स, यहाँ पे भी अच्छे खासे टर्टल्स है। और अगर मैं पानी में नीचे लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फिश भी तैरती हुई दिखेंगी। एक वहाँ पे वाइट कलर की है, एक वहाँ पे बहुत बड़ी सी फिश है, ये देखो सारे कैसे पास आ रहे तैरते तैरते। ये देखो, ये देखो, तो आज तक मैंने पफर फिश सिर्फ वीडियोस में देखी थी, आज पहली बार देख रहे हो। ये फिश की क्वालिटी है, अगर ये महसूस करती है कि इसको कोई खतरा है तो ये अपना साइज बड़ा कर देती है। ये देखिए यहाँ पे एक नीले कलर की मछली मेरे सामने तैर रही है, फिर वहाँ पे देखिए और अलग एक काली नीली, ये देखो सामने। पीछे भी है दो, पीछे भी है दो तीन। ये जो आपको सामने दिख रहे वो है क्रेफिश, इट्स अ जायंट टर्टल, बहुत ही ज्यादा ह्यूज, एटलीस्ट 150 से 200 किलो का रहता है पक्का। और फिर यहाँ पे ना नहीं दिख रहा, जहाँ टर्टल टर्टल ही दिखा तो वो भी गायब होगा दिखना। गाइस आपको अभी जो सामने दिख रहा है यहाँ पे वो गर्नड है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर का रहता है, मे बी ग्लास की वजह से ऐसे दिख रहा रहेगा। फिर सामने जो स्विम कर रहे हैं सब, वो ब्लू माओ माओ, एक जब भी बीच में एंट्री मारी या जो यहाँ पे भी दिख रहा है वो है लेदर जैकेट। फिर वहाँ पे आपको पेड़ के पीछे एक ऑरेंज कलर का फिश दिख रहा रहेगा, उसका नाम है पैरेट फिश। वो जो पत्थर पे वो नहीं पता, और एक स्नैपर भी आ रहा है यहाँ से, दरी तो स्नैपर है समर। एक एकदम जो पीछे आपको फिश अगर दिख रही रहेगी जब भी ऊपर जा रही है यहाँ पे ये साइड पे, वो स्नैपर है ऊपर, वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फिश ऑफ न्यूजीलैंड। ये दरी ये देखो जो एकदम ऊपर है ना पानी के, वो स्नैपर, ये ब्लू मामा और ये गनत। जब ये गनत स्विम करता है एक्चुअली इसके जो विंग्स है वो बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं, पर अभी ये पानी में रेस कर रहे तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा।
और ये ऑरेंज कलर की जो फिश है वो है पैरट फिश। क्या ये देखो उसके विंग्स खुल रहे अभी, ये देखो। तो ये वही ब्लू कॉर्ड है जो अभी ऊपर था, रिस्क कर रहा था, ये आलसी है, ये फिर नीचे आके सो गया। इसके स्केल्स और इसके टिप, और ये देखो सामने भी एक मछली है जिसका नाम है मार्बल फिश, ब्लू कॉर्ड के बाजू में थी जो है वो मार्बल फिश है। तो बस अभी थोड़ा आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं क्या है। ये देखो यहाँ पे ट्रिवेली स्विम करते हुए, तो यहाँ पे ट्रिवेली कावाई हापुका, ये जो आपको दिखा भी जाती है यहाँ से स्विम करते हुए हापुका है सर। सामने ओके, सामने एक शार्क भी है छोटा सा रिक्शा। यहाँ पे जो सामने रेस करता हुआ दिख रहा है वो है हमारा रिक्शाक। रिक्शाक के बाजू से ये तैरते हुए आ रहा है स्टिंगरे, स्टिंगरे के ऊपर हापुका, हापुका के नीचे है स्कूल शार्क, एक और रिक्शा। इट्स लाइक अ पैराडाइज फॉर मी, बट ओनली थिंग इज आई कैन फिश हियर, आई कैन जस्ट सी देम ऊपर से और शार्क तैरते हुए स्विम करते हुए। फिर ये साइड आपको दिखेगी ट्रिवेली और बिग फाइट कावाई। ये देखो ये एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं है, बस एक ग्लास की वजह से इतने बड़े दिख रहे सर। ये देखो एक गनर्स के विंग जो मैं बोल रहा था ना बटरफ्लाई की तरह दिखता है, ये देखो ये उसके विंग्स। ये ऊपर से ट्रेवल नहीं जाती हुई एक और शार्क, फिर आपको जो दिख रहा है वो फिर से पफर फिश, ये सब पफर फिश ऊपर। तो अभी जस्ट एक्वेरियम घूम के हो गया है मेरा, इट्स रियली वर्थ। डेफिनेटली नेपियर आ रहे हो नेशनल एक्वेरियम को पक्का विजिट कीजिए, आप कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ, जितना वेबसाइट पे लिखा था कि हाँ 50 अलग अलग तरह के स्पीसीज है, इतने 1500 ऑलमोस्ट कुछ तो एनिमल्स है, एक्चुअल में सब कुछ वैसा है। और इनका जो आपका बेल्ट वाला एक टूर होता है जिसमें आपको सारी मछलियाँ दिखती है, इट्स लाइक हाईलाइट ऑफ द टूर। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अभी एक्वेरियम में। अभी देखते हैं एक दो जगह पे और कहीं जाते हैं, मोस्टली बीच हो गया तो कोई वाइनरी हो गया, पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो थोड़ा बहुत घूमते हैं। तब तक तो डिनर का टाइम भी हो ही जाना है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करेंगे डिनर और आज का दिन हो जाएगा यहाँ पे।